आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रूस यूक्रेन युद्ध और हीट वेव की वजह से इस साल गेहूं की फसल काफी चर्चा में रही। उसकी मार्केट वैल्यू में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। जो गेहूं आमतौर पर ओपन मार्केट में 1500 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल में बिकता था, उसका दाम 3000 रुपए तक पहुंच गया है। जिसे सरकारी मंडियों में बेचने के लिए किसानों की लाइन लगी रहती थी, उसके लिए इस बार सरकार इंतजार करती रह गई। उसकी खरीद आधे से भी कम हो गई है। हमने अनाज संकट से घिरे कई देशों को गेहूं एक्सपोर्ट करके उनकी मदद की और अपने लिए पैसा कमाया, लेकिन तुर्की और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भारतीय गेहूं में रूबेला वायरस मिलने का आरोप लगाकर यहां के किसानों और सरकार को असहज कर दिया। अब लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस मामले पर लिखित तौर पर जवाब दिया है। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार और राजीव रंजन सिंह ने गेहूं को लेकर तुर्की के मुद्दे के अलावा एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध से किसानों को हुए नुकसान के बारे में भी किसानों से जानना चाहा। जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण किसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद भी इसकी घरेलू कीमतें MSP से अधिक है। वहीं तोमर ने कहा कि कुछ समाचार पत्रों ने बताया कि रूबेला वायरस के कारण भारतीय गेहूं की खेप को तुर्की ने अस्वीकृत कर दिया था, जबकि ये वायरस इंसानों में पाया जाता है और ये गेहूं या किसी अन्य पौधे के उत्पादों से संबंधित नहीं है। तुर्की के नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने आधिकारिक तौर पर सूचित किया कि भारतीय गेहूं की खेप को गेहूं रोगजनक के करनाल बंट से ग्रसित होने के कारण अस्वीकृत किया गया था। तोमर ने कहा कि गेहूं एक्सपोर्ट के लिए मानक संचालक प्रतिक्रियाओं के अनुसार गेहूं की खेप का निरीक्षण किया गया था। तुर्की जाने वाले गेहूं की खेप करनाल बंट से मुक्त थी। वहीं खेप इसराइल को भेजी गई थी, जिसे इसराइल सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। सरकार ने इसके जरिए ये बताने की कोशिश की कि तुर्की ने भारत के गेहूँ को लेकर झूठ बोला था। तोमर ने बताया कि जब भी भारत के बाहर गेहूं की खेप जाती है, उस समय क्वारंटीन उपायों का पालन किया जाता है। वहीं खेप का निरीक्षण प्लांट क्वारंटाइन निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोगशाला परीक्षण किया जाता है और अन्य देशों की प्लांट हाइजीन आवश्यकताओं का पालन करते हुए एक्सपोर्ट किया जाता है। केंद्र सरकार ने दावा किया कि किसानों को खुले बाजार में गेहूं का दाम MSP से औसतन 135 रुपये प्रति क्विंटल अधिक मिला है। किसानों ने गेहूं 2150 रुपये प्रति क्विंटल के औसत रेट से बेचा, जबकि MSP सिर्फ 2015 रुपये थी। इस तरह किसानों को MSP की तुलना में बता दें कि 5994 करोड़ रुपए अधिक कमाई होने का अंदाजा लगाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।